अभी आ गए मिरर मेज में और नॉर्मल मिरर है यार। ए पजल है भाई। हाँ पजल है। इधर से है रास्ता, इधर से है। आ जा ठीक है। क्या यही एग्जिट? हाँ, ये एग्जिट नहीं है, नहीं एंट्री कांच के ऊपर। चलो वापस आओ। ये ऐसे कैसे पूरी तरीके से जा रहे हैं? यही तो बात है यहाँ पे। उधर है, इधर से ऐसी सीट्स हैं इसकी और यहाँ पे चलेगी स्क्रीन। तो गाइस फाइनली चश्मे लग चुके हैं हमारे और ये मेरे को जबरदस्ती मेरे को वो दिखा रहे हैं भूत की, भूत का 90। मजा आएगी। पायल को अच्छा लगता है, मैंने पायल को पहले बोला था। ये दोनों पायल को अच्छा लगता है, पायल को अच्छा लगता है। क्या मतलब? मतलब यीशु क्या है? यीशु का पट्टे है। पेड़ से जगह खराब है, मैं लड़की अच्छी हुई, चश्मा ऐसा ही नहीं लग रहा मुझे कुछ। सही तो है बाबू, ये उठ जा रहा है अभी। क्या गोश्त में क्या दिखाएंगे अभी? वो अभी चलेगा ना, रुक जा। और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर पे और एक जगह और जा रहे हैं, तो वो आपको भी देखने को मिलेगी। एंड तब तक आप ये देखो, कुछ नहीं तो चलो चलते हैं, वहीं पे मिलते हैं सीधे आपसे।
फाइनली यशु का 7 तारीख वाला बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी तरफ भी करते कैमरा कुत्ती हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर यशु हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू गाइस। मैंने बनाया हाँ ये वैसे केक का स्टाइल बहुत अच्छा था क्योंकि केक थोड़ा बड़ा वेस्ट ही आता है लेकिन दोनों केक वेस्ट ही गए हैं मतलब वेस्ट जैसे इसके हम नहीं खा पाए ये बहुत टेस्ट चाहिए बरसी है लेना चाहते दे तो दिया कल अपार पर थोड़ी कुछ देंगे हाँ मेरे को तो गिफ्ट मिलेंगे मेरे को अच्छा ही फील आएगा ना मेरे को थोड़ी बुरा फील होगा किसी को बुरा लगता है गिफ्ट मिलने में नहीं लगता ना तुझे तो दिया एक ही बार होता है तो ये भी सही है। चलो गाइस अभी डिनर आने वाला है हमारा हम लोग डिनर कर लेते हैं देन आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। डेकोरेशन दिखा दो जो हमने कराई है ये मिला है हमें कॉम्प्लीमेंट्री में इसकी कहानी आपको बताएंगे घर पे जाके फिलहाल इसको एंजॉय करते हैं जी पे चार्ज पड़ जाए कॉम्प्लीमेंट्री की जगह और सॉरी एक्चुअली कल हमने बीच में ही छोड़ दिया था सारा कुछ क्योंकि कल यीशु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इसको मतलब बहुत ज्यादा ऐसे वॉमिटिंग और फीवर भी हो गया था कोल्ड भी हो गया था खांसी भी बहुत ज्यादा आ रही थी तो रात का जो प्लान था हमने वो कैंसिल कर दिया था पूरा। मैं आपको बता देती हूँ रेस्टोरेंट के बाद हम लोग जाने वाले थे बॉनफायर और वहाँ पे इसके लिए एक सरप्राइज था जो मैं इसको नहीं दे पाई रात को क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो आगे आओ जरा तो आपको ठंडा हुआ हम जब जैसी गाड़ी से उतरे ना जिस जगह पे हवा चल रही थी वहीं पे मैंने वो इतना जो मोटा वन पीस पहना हुआ था ना स्वेटर वाला उससे मेरे को ठंडा लग गया इसलिए। तो फाइनली गाइस आप लोग जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो बोर हो गए होंगे ना मेरे को वेस्टर्न में देख देख के वन पीस में मैं इतना ज्यादा बोर हो गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोगों ने मेरा बर्थडे विश किया वहां पे महान ने और मेरे को कमेंट कर दिया ड्रेस पे बट कोई बात नहीं मुझे खुद इंडियन लुक ही पसंद है बट यू नो कुछ चीजों के लिए पति की भी बात रखनी होती है तो लोगों का बहुत मन था कि मैं वन पीस पहनूं तो मैंने दोनों मतलब दिन के लिए वन पीस ही रखा था बट मैंने अभी आप सबके लिए अपने लिए उसके लिए अभी ये इंडियन एक सूट पहना है तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो चलो आओ मिलते हैं पुरानी यीशु से तो कुछ नहीं सरप्राइज किया हाँ सरप्राइज किया मैंने ये तो पूछा ही नहीं हमारा यही सरप्राइज है कि बॉनफायर पे ले जाएंगे तेरे को बस बॉनफायर पे तो अब तो नहीं कर सकते बाबू बॉनफायर क्योंकि अब तो दिन हो गया धूप निकली है ना अब तो जान फिर अपने दांतों भर लेंगे कोई बात नहीं ठीक है अब
वहीं पे जाएंगे मस्त करके और अपने घर में वहां पे ये क्या है सरप्राइज सरप्राइज तो था ये वाला ऑलरेडी एक और भी है यही था कल रात को सपना तो नहीं आ रहा मेरे को ये आदमी मतलब क्या घर वर पे एक बिल्डिंग बेचा है क्या वो वाली सुन रखते हो कल रात को यही था एक्चुअली बॉनफायर पे मैं इसको ये देने वाली थी बट कोई बात नहीं होता है कभी कभी तो ओह माय गॉड एक मिनट मैं जरा दिखा दूं मैं दिखा दूं तो गाइस ये देख लो ये है चेन मेरे को इस बर्थडे पे बर्थडे वाली फीलिंग ही नहीं आई मेरे को इस बर्थडे पे ऐसी फीलिंग आई है कि हम शादी कर रहे हैं ये आदमी मेरे को ऐसा वो दे रहा है ज़ूम कर लेते हैं इसको जब मैं आपको पहनाऊंगी थोड़ा पीछे हो जाते हैं ओपन वेरी गुड ये कब लिया आपने वैसे तो मुझे ये भी नहीं पता कब लिया आपने बेटे तुम यही तो नहीं जानते हमारे कारीगरी को इसको हटाओ निकालो यार ये बहुत प्यारी है डुगु मैं दो दो चीज मांग के घूमूंगी क्या मैं दिखा देती हूँ आपको वो मेरे को ये दिख रही दो हो गई तो मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कि कौन सी है थैंक यू सो मच बिलेटेड हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच तो गाइस ये था यशु का बर्थडे जो कि समाप्त हो चुका है एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतनी सारी विशेस दी है उसको उसके लिए भी सारी और आज सुबह मैंने गुगा आप जब सोए हुए थे ना मैं उठी थी तब मैंने आपका फोन देखा आपके फोन पे भी बहुत सारे मैसेजेस मेरे फोन पे बहुत सारे बट मैं रिप्लाई नहीं कर ज्यादा मैसेजेस थे गुगा फोन पे और मुझे इतना अच्छा फील हुआ मतलब ऐसा फील आ रहा था ना सीरियसली मुझे नहीं पता आप लोग कैसे समझोगे कि सबको कुछ और काम नहीं रह गया बस ये अश्विका का बर्थडे है तो उसको कोई बर्थडे विश देनी है कि कोई भी रह ना जाए एंड सॉरी जिसको हम रिप्लाई नहीं दे पाए वो भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे जिसको भी हम नहीं और हम लोग यहाँ पे भी बिजी थे तो इसके लिए सॉरी तो अब जब घर जाएंगे तो आज कल आज वाला व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगी आज इसको यहीं पे एंड करते क्योंकि इसको रेस्ट चाहिए तो मैं इसको और परेशान नहीं करना चाहती हूँ हमारी थोड़ी सी गलती हो गई हम लोग ना हमेशा जब भी किसी नई जगह जाते हैं और यहाँ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे ये था कि दो तीन जगह ऑप्शन हुई थी तो मुझे पता था कि यहाँ जाना है ठीक है वो तो रास्ते से पता चला कि भाई लोनावला आ रहे हैं तो हमने यहाँ का ना टेम्परेचर और कैसा वेदर चल रहा है हमने वो नहीं देखा हमें लगा था मुंबई जैसा ही होगा ज्यादा फर्क नहीं आएगा हालांकि मैंने वुलन भी कैरी किया था लेकिन उस तरीके का नहीं था अगर मुझे पता था यहाँ पे सेलिब्रेट करना तो मैं थोड़ा सा वन पीस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया अलग तरीके से तो आप लोग को देख लो ना कि एक हम गर्मी वाले टेम्परेचर से यहाँ पर आए हैं यहाँ पे काफी ठंडा था बहुत ज्यादा ठंडा था यार फैन में ठंड लग रही थी नीचे हम लोग स्लीपर लाना भूल गए तो फर्श पे ठंडा लग रहा था ये था तो मेरा पति मतलब जैसे मुझे कह रहा था लास्ट व्लॉग में कि देखो ठंड चाहिए थी ना ये जब सारी ठंड दे दी मैंने कोल्ड भी दे दिया मैं कब बट नहीं यार सीरियसली ये सुपर था इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता हालांकि उन्होंने मुझे इतने कीमती गिफ्ट दिए हैं लेकिन मतलब उसके पीछे तो प्यार है ना इनका और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार सीरियसली लैपटॉप और कैमरा के बाद कि कुछ और ऐसा होगा या नहीं होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था बट आई एम सो हैप्पी कि इतना कुछ प्लान किया मेरे लिए और मेरे दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए और मुझे इतना खुश रखने के लिए और मेरे को ऐसे पूरे फर्स्ट ऑफिस में से अब तक ऐसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया हर चीज़ के लिए मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में कि किस तरीके से ये पूरा वीक इन्होंने प्लान किया था और हर एक मोमेंट उन्होंने कैसे इन्जॉय किया है साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया यहाँ पे बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा फील हो रहा है तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस इतना प्यार देने के लिए इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे मैं बहुत खुश हूँ और जैसे मेरे को इतनी सारी खुशी मिली आप सबको भी बहुत सारी खुशी मिले और गाइस आप जैसे अभी तक यशल्स को प्यार दे रहे हो मैं फिर से वही कहूंगी कि यशु का यशल्स मकबान आने वाला है आ चुका है उस पर एक वीडियो आएगा बहुत जल्दी आपको वीडियो रिसीव होगा लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि वहां पे जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी जाओ और उस लिंक पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डायरेक्ट जाके उसको सब्सक्राइब करो और वहां पे हमें बहुत सारा प्यार दो और बस इतना ही वैसे तो मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है
वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इनफ नहीं है, लेकिन एंड तो करना पड़ेगा ना. आप लोग सामने नहीं हो लेकिन फील ऐसे ही आ रहा है कि सब सामने है, वो सारी विशेस, वो सारा माहौल. कुछ लोगों ने तो भाई साहब साथ केक काट डाले मेरे नाम के, मतलब यार कितने प्यारे हो ना आप लोग के, मेरे को बस कुछ नहीं बोलूंगी मैं. आई एम टोटली स्पीचलेस. थैंक यू वंस अगेन गाइज इतना कुछ करने के लिए. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच बाबू मेरी जान. तो चलो इस वीडियो करते हैं फिलहाल यहीं पे एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक कमेंट शेयर तो आपके हाथों में है, मैं नहीं बोलूंगी इस बार. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टाटा बाय बाय टेक केयर.